आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, 100 ग्राम ऑफ यूरिया ने 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है एंड डिसॉल्व करने के बाद उसको -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड को कूल किया गया है और इसको कूल करने के बाद 128 ग्राम ऑफ आइस ने वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया था एंड दिया गया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर है 1.86। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे ये एक्स का वैल्यू कितना है, तो पहले लिख लेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दिया गया है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी के एफ डैश दिया गया है क्वेश्चन में 1.86 एंड मास ऑफ यूरिया हमें पता है, यूरिया का मास हमें पता है 60। इनिशियली वाटर टोटल 500 ग्राम से एंड फाइनली उससे 128 ग्राम से बाहर चले गया था, तो कितना रिमेनिंग रहेगा, वेट ऑफ वाटर रिमेनिंग इज 500 इनिशियली है, उससे 128 ग्राम आइस के फॉर्म में बाहर चले गया था, तो कितना बचेगा, 500 माइनस 128 यानी 372 ग्राम बचेगा। ये तो पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इधर सब वैल्यूज दिया गया है, सिंपली ये वैल्यूज क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेगा तो आंसर निकल जाएगा। तो हमें पता है डेल्टा टी एफ का फार्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट यानी के एफ डैश इंटू मोलालिटी है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू के एफ डैश इंटू वेट बाय मोलर मास इंटू वेट रिमेनिंग। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब वैल्यूज क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5000 इंटू 1.86 इंटू वेट बाय मोलर मास ऑफ यूरिया है 60 इंटू वेट रिमेनिंग है 372। तो इसको कैलकुलेट करेगा तो वेट निकलेगा, वेट और एक्स निकलेगा 6 ग्राम्स, देयरफॉर एक्स है 6 ग्राम्स, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एक्स इज इक्वल्स टू 6 ग्राम्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।